नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये यहाँ तक तो बटन पट्टी बुनने के साथ ही तैयार हो गया है, और अब बात आती है कि पीछे कैसे बनाएं। यहाँ पे पीछे कैसे बनाएं तो दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको बुन के और यहाँ आके जोड़ दें, या फिर दूसरे तरीके से मैं बताने जा रही हूँ। हमारा धागा ये यहाँ लगा हुआ है और हमें हमारा जो बॉर्डर है हमें सिर्फ उल्टा उल्टा बुनना है। तो पहले हम 5 फंदे उल्टा बुन ले रहे हैं। पांच फंदे हमारे सिलाई पे हैं और हम क्या करेंगे कि ये जो सीधी लाइन गई है इसमें से छठा फंदा हम ऐसे सीधा करके एक फंदा निकाल लेंगे। 5 फंदा और ये हो गया 6। अब हमको उल्टा उल्टा बुनना है, हमारा बॉर्डर उल्टा उल्टा बुनना है। तो अब इधर हमारे बॉर्डर पे 5 फंदे थे और ये 6 हो गया, तो 2 फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। फिर हमारा 4 फंदा उल्टा बुन लेंगे। फिर हम दूसरे लाइन पे आए, यहाँ पे हमको पहला फंदा है तो ऐसे करके अपनी ओर करना है। इधर से तो हम नहीं मोड़ सकते हैं, इसको अपनी तरफ ऐसे करना है। फिर 4 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। फिर 5वां फंदा हम इसमें से सिलाई डालेंगे और एक 5वां फंदा, सॉरी 5 फंदे तो मेरे पास है ही हैं, ये 6ठा फंदा हम ऐसे निकालेंगे। फिर इसको पलटेंगे और 2 फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना देंगे। यहाँ 6ठा निकालने से एक फंदा बढ़ गया है और यहाँ 2 फंदे एक साथ बुनने से वापस हमारे पास 5 फंदे हो गए, और 5 फंदे हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे जो हमारा बॉर्डर डिज़ाइन है वो। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जॉइंट होता जा रहा है, दोनों ये जॉइंट होता जा रहा है। फिर हम अपने बॉर्डर के डिज़ाइन को कायम रखते हुए आगे बुनेंगे। ये 5 फंदा हम बुन लिए और फिर 6ठा फंदा इसमें से सिलाई डालेंगे और निकालेंगे। थोड़ी दूर दूर पे हम करेंगे वरना ढीला हो जाएगा। फिर 6 फंदे हो गए। अब हमको फिर 2 फंदों का एक करना है ताकि फंदे बढ़े नहीं, मेरे 5 फंदे हैं तो 5 ही फंदे रहें। ये बॉर्डर बुनता जा रहा है और साथ ही साथ ज्वाइंट भी होता जा रहा है। फिर हम निकालेंगे और 5 फंदे अपना उल्टा बुन लेंगे। फिर हम ऐसे करेंगे और एक फंदा सीधा निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड, अब हम पीछे की तरफ आ रहे हैं। फिर वैसे ही ये इसको जरा खींच के टाइट ही रखेंगे। 2 का 1 किया और 4 फंदे उल्टा बुन लेंगे। फिर ऐसे घुमा के अपनी तरफ लाएंगे, 4 फंदे उल्टा बुनेंगे और 5वां फंदा अगली पीछे से एक फंदा ऐसे उठा लेंगे। देखिए, और फिर 2 फंदों को एक साथ लेते हुए उल्टा बना लेंगे और 4 फंदे उल्टे। इसी तरह करते हुए हम दूसरे साइड पर
इसको यहाँ पे आ जाएंगे, मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बुनाई करते हुए अब मैं इसके दूसरे हिस्से के पास आ गई हूँ। अब हम मुझे इन दोनों को ज्वाइंट करना है, तो इसे उल्टे की तरफ से कर लिया और वही पैटर्न है कि दो दो फंदों को एक साथ लें, एक बार इस सिलाई से एक बार इस सिलाई से लेके और ऐसे दोनों का को एक साथ बुन दें, या फिर तीसरी सिलाई में दोनों फंदों को, दोनों सिलाइयों से एक एक फंदे को लेके ऐसे तीसरी सिलाई में उतार लें और फिर वापस तीसरी सिलाई को हटा के इसे दो सिलाई में कर लें। इससे बहुत ही आसानी हो जाती है, मुझे बहुत आसानी हो जाती है। आप उस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। और फिर जो अपना पैटर्न है कि दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक बनाया, फिर अगले दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक बनाया और पिछले फंदे को आगे वाले फंदे पे चढ़ा देंगे, हमारे फंदे घटने शुरू हो गए। दो फंदा घट गया, ये तीसरा घट गया, ये चौथा, और लास्ट में इसको ऐसे करके निकाल लेंगे, थोड़ा सा बड़ा काटेंगे और फिर इसको अंदर की तरफ यहाँ पे फंसा लेंगे। कहीं भी ऐसे फंसा लिया लेंगे। देखिए हमारा ये तैयार हो गया, ये गला तैयार हो गया। लेकिन अब बात आती है कि बाजू कैसे बनाया। अब हमारा ये बाजू जो है वो चारों ओर से ज्वाइंट हो गया है, तो या तो हम इसे चार सिलाई से बनाएं या फिर जैसे मैंने इसे देखिए क्रोशिया से बना दिया है, तो क्रोशिया से भी बना सकते हैं। छोटे बच्चे का स्वेटर है तो हम इसे क्रोशिया से ही बनाएंगे। अब हम धागे को इससे अटैच कर लेंगे और फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी हमको अभी बेस तैयार करनी है। और ये फैलने वाला डिजाइन है, तो हम क्या करेंगे कि एक ये जो गुटका बना है इसमें हम दो जगह दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पे हम सिंगल क्रोशिया से ऐसे इसका बेस तैयार करेंगे। पूरे गले में हमको ऐसे ही एक बेस, देखिए हमारा ये बेस तैयार होना गया है, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने चारों तरफ सिंगल क्रोशिया से बना लिया है और ये आस्तीन का बेस तैयार हो गया है। और अब हम जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पे आ गए हैं, तो दो चेन लेंगे और फिर इसमें पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार और पांच डबल क्रोशिया बना लिया। फिर इसको ऐसे करेंगे और जहाँ तक जाता है वहाँ पे जाने देंगे और फिर उसको ज्वाइंट कर लेंगे।
फिर दो डबल क्रोशिया, दो चेन बनाएंगे और फिर इसमें पांच डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार और पांच। फिर इसको जाने देंगे जहाँ तक ये जाता है, उसके बाद इसको ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे ही। फिर दो चेन बनाएंगे और फिर इसमें पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच। फिर इसको ऐसे लिटाएंगे जहाँ तक जाता है वहाँ जाने देंगे और फिर ज्वाइंट कर लेंगे। फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम इस पूरे आस्तीन में बनाएंगे। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों बाजू तैयार हो गया और ये स्वेटर लगभग तैयार है। या तो हम इसमें टीज बटन लगा के इसको कंप्लीट कर देंगे, या फिर इसमें ऐसे ही कंगूरे बना के इस यहाँ भी बना सकते हैं, जिससे स्वेटर और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देने लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, फाइनली ये तैयार हो गया। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी कर दीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो आपके पास स्वतः पहुंच जाए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।